पिछले साल 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें एप्पल से वार्निंग मैसेज आया है कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स ने हैक करने की कोशिश की है। महुआ मोइत्रा के साथ साथ शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित कई और विपक्ष के सांसदों और कुछ पत्रकारों का दावा था कि उन्हें एप्पल ने ऐसी ही चेतावनी दी थी, मगर उस समय सरकार ने हैकिंग की कोशिश के आरोपों से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है कि ये सभी मामले सही थे। सरकार ने इन नेताओं के फोन हैक कराने की कोशिश की, जिसके बाद एप्पल ने अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज दिया था और उसके बाद सरकार ने एप्पल पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर क्या लिखा है इस रिपोर्ट में और कैसे एप्पल कंपनी ने भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। लगभग 2 महीने बाद 28 दिसंबर को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने इस मामले में एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक जिस दिन एप्पल ने विपक्ष के सांसदों और पत्रकारों को ये नोटिफिकेशन भेजा, उसके ठीक एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी। एप्पल इंडिया के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वो इस वार्निंग को अपने सिस्टम की गलती बताएं या कोई वैकल्पिक बयान तैयार करें। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खारिज करते हुए कहा, ये आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित है और मनगढ़ंत है। जब सांसदों ने एप्पल के इस नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट्स को शेयर करना शुरू किया, तो बीजेपी के कई नेताओं ने इस वार्निंग पर सवाल उठाया और इस बात की ओर इशारा किया कि ये एप्पल का इंटरनल थ्रेट एल्गोरिदम था जो शायद गलती से लोगों को चला गया। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के सार्वजनिक दावों से अलग प्राइवेट में मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के भारत में प्रतिनिधि को बुलाया और कहा कि कंपनी वार्निंग को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए सरकार की मदद करे। इतना ही नहीं, सरकार ने एप्पल के देश से बाहर रहने वाले एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया और उनसे कहा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर एप्पल की ओर से सफाई पेश करने के विकल्प तैयार किए जाएं। अमेरिकी अखबार का कहना है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह दावा किया है। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरकार के लोग काफी नाराज थे। अखबार के मुताबिक एप्पल के विदेशी अधिकारी कंपनी के वार्निंग मैसेज के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने एप्पल की विश्वसनीयता को कमतर करने की कोशिश की और जिस तरह का दबाव सरकार की ओर से बनाया गया, उसका असर एप्पल के अधिकारियों पर पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जो दिखी वो ये थी कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को भारत की मौजूदा सरकार की ओर से दबाव का सामना करना पड़ा। ये भी जानना अहम है कि आने वाले दशक में भारत एप्पल के लिए अहम बाजार होने वाला है। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट का सोशल मीडिया पर बयान जारी करके खंडन किया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट की खराब स्टोरी टेलिंग का जवाब देना थकाने वाला काम है, लेकिन किसी को तो ऐसा करना ही होगा। ये कहानी आधा सच पूरी तरह सजावटी है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिफिकेशन को लेकर जांच अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 31 अक्टूबर को एप्पल की ओर से दिए गए बयान का जिक्र नहीं किया गया है। आईटी मंत्रालय का इस पर रुख साफ है और हमेशा से एक ही रहा है, ये एप्पल को बताना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये वार्निंग ट्रिगर हुई। एप्पल से भारत सरकार की जांच में शामिल होने को कहा गया है और ये जांच जारी है। ये सभी तथ्य हैं और बाकी पूरी कहानी एक रचनात्मक सोच भर है। बता दें कि इस साल अक्टूबर में 20 लोगों को एप्पल ने चेतावनी नोटिफिकेशन भेजा था। ये लोग विपक्ष के नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी थे। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जिन 2 पत्रकारों को एप्पल ने वार्निंग भेजा, उनमें से 2 नामों की चर्चा है, आनंद मंगनाले और सिद्धार्थ वरदराजन। आनंद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP के दक्षिण एशिया के एडिटर हैं। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। इस साल सितंबर की शुरुआत में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ मिलकर OCCRP ने एक रिपोर्ट की थी,
दावा था कि टैक्स हेवन देश मॉरिशस के दो फंड इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और ईएम रिसर्जेंट फंड ने 2013 से 2018 के बीच अडानी ग्रुप की चार कंपनियों में पैसा लगाया और इनके शेयरों की खरीद फरोख्त भी की। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 23 अगस्त को OCCRP ने अदानी समूह को इस कहानी पर उनका बयान जानने के लिए मेल किया था। मेल करने के 10 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई, लेकिन आनंद मंगनाले के फोन का एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेंसिक एनालिसिस किया, जिसमें पता चला कि अदानी समूह को कहानी पर उनका रुख जानने के लिए किए गए ईमेल के 24 घंटे के भीतर उनके फोन में एक पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया गया था। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप बनाता है, और कंपनी का कहना है कि वो इसे केवल देश की सरकारों को ही बेचता है। वॉशिंगटन पोस्ट के दिए गए जवाब में अडानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया है कि वह किसी भी तरह की हैकिंग में शामिल था, और उन्होंने OCCRP पर उनके खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप की कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की प्रमुख वर्षा चिनानी ने वॉशिंगटन पोस्ट के दिए गए जवाब में कहा है, अडानी ग्रुप उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और नियमों के साथ काम करता है। एमनेस्टी ने पाया कि जिस एप्पल आईडी का इस्तेमाल मांगले के फोन को हैक करने के लिए किया गया था, उसी आईडी से भारतीय न्यूज वेबसाइट द वायर के सह संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन के फोन को हैक करने का प्रयास भी किया गया था। ये एप्पल आईडी ये थी। BBC ने सिद्धार्थ वरदराजन से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर एप्पल के दबाव में आने के दावे वाली रिपोर्ट को वो कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा, जब हमने साल 2021 में फॉरविडन स्टोरीज के साथ मिलकर पेगासस स्पाईवेयर पर रिपोर्ट की थी, तब ही सामने आया था कि कई फोन में इसका इस्तेमाल किया गया था। मैं भी उनमें से एक था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और मामले की जांच भी की गई, लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि जांच कमेटी के साथ सरकार ने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया। ये तो एक तरह से कोर्ट की अवमानना थी। मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मेरा सवाल ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों हल्के में ले रही है? 3 साल बाद फिर लोगों के फोन को टारगेट किया गया है। सिद्धार्थ बताते हैं कि 16 अक्टूबर को उन्हें एप्पल की ओर से वार्निंग मिली। वो कहते हैं, उस दौरान मैं कोई ऐसी सेंसिटिव रिपोर्ट तो नहीं कर रहा था। OCCRP की तरह हम उस समय कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन द वायर जो भी खबरें करता है उसका 90% काम सरकार को पसंद नहीं आता। मैं पेगासस की पहली लिस्ट में पहले भी था और इस बार भी हूँ। जब हम काम करते हैं तो हमें पता होता है कि सरकार हम पर नज़र रख रही है। इस तरह के सॉफ्टवेयर से होता ये है कि हम किस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं, इस सब का पता सरकार को खबर आने से पहले ही चल जाता है। सिद्धार्थ कहते हैं, एप्पल अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन रिपोर्ट में जिस तरह से बात निकल कर आ रही है कि एप्पल ने भारत सरकार के दबाव में आकर अपने ही नोटिफिकेशन को कमजोर बताया, उन्हें ये तय करना होगा कि आप वो कंपनी बने रहना चाहते हैं जिसे उसके एथिक्स और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, या वो कंपनी बनना चाहते हैं जो सरकार के दबाव में काम करती है। देखिए, भारत एप्पल के लिए एक बड़ा बाजार है। बीते दिनों भी रिपोर्ट आई थी कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान कथित तौर पर ट्विटर पर यह दबाव डाला था कि वो कुछ लोगों के ट्वीट को डिलीट करें। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि जब अक्टूबर में कई सांसदों ने एप्पल के वार्निंग को एक्स पर शेयर करना शुरू किया और इस पर चर्चा शुरू हुई, तो भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एप्पल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विराट भाटिया को बुलाया। अखबार को मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने ये बात बताई। इनमें से एक ने अखबार को बताया कि भारतीय अधिकारी ने एप्पल से कहा कि वो अपनी वार्निंग वापस लें और कहें कि ये गलती से हुआ है। सरकार के अधिकारी और एप्पल के अधिकारी के बीच इस पर कहासुनी हो गई। एप्पल इंडिया के अधिकारी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो एक ऐसा बयान जारी कर सकते हैं जिसमें कुछ केवियट पर जोर दिया जाए, जैसा कि एप्पल की वेबसाइट पर पहले से लिखा है। इस मामले पर सांसदों के ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही एप्पल इंडिया ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था, इस तरह के अटैक की पहचान खतरे के खुफिया सिग्नल पर आधारित होती है और कई बार सटीक नहीं होती और अधूरे भी होती है। ऐसा संभव है कि वार्निंग वाले कुछ मैसेजेस
फॉल्स अलार्म हो सकते हैं या हो सकता है कि अटैकर्स का कभी पता ही न लगे। जब एप्पल ने ये बयान जारी किया तो इससे जो संदेश साफ तौर पर जाहिर था वो ये कि एप्पल अपनी ही चेतावनी को गंभीरता से न लेने की ओर इशारा कर रहा है। एक व्यक्ति ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि भाटिया ने कंपनी के लोगों से कहा था कि वह सरकार की ओर से काफी दबाव में है, लेकिन कंपनी के बाकी एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हमें मजबूत बने रहने की जरूरत है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि दो बड़े टेक पत्रकारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एप्पल इंडिया के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग ने उनसे ऐसी कहानियां करने को कहा जो इस बात पर जोर देती हैं कि एप्पल की वार्निंग गलत हो सकती है, यानी ऐसी रिपोर्ट करना जो खुद एप्पल के ही सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करे। जिन लोगों को 30 अक्टूबर को एप्पल ने वार्निंग भेजी थी उनमें से एक थी शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका बीबीसी से कहती हैं, एप्पल के महंगे डिवाइस खरीदने का कारण यही होता है कि हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सरकार के दबाव में आकर सरकार के साथ हो जाएगी या अपना व्यापार देखकर एथिक्स से समझौते कर लेगी तो आप सोचिए क्या हो सकता है। एप्पल की वार्निंग जिस हैकिंग को लेकर भेजी गई थी उसके जरिए कथित रूप से पेगासस स्पाईवेयर फोन में डालने की कोशिश की गई थी। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर फोन में डाल दिया जाए तो हैकर के पास दूर बैठे हुए भी फोन का माइक और फोटोज, कैमरे का एक्सेस, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हालांकि द वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है, हमने इस मामले में तकनीकी जांच शुरू कर दी है, लेकिन मुझे यह कन्फ्यूजन है कि सरकार अपने खिलाफ जांच ठीक से कैसे करेगी। अखबार से बात करते हुए भारत की टेक नीतियों पर काम करने वाली न्यूज वेबसाइट मीडिया नामा के संस्थापक निखिल पहवा ने कहा, भारत सरकार खुद पर ही लगे आरोपों की जांच निष्पक्ष होकर कैसे कर सकती है। भारत सरकार बस कहने के लिए ये बातें कह रही है, जैसा हम अक्सर सरकार को करते हुए देखते हैं, वो मामले को ठंडा करने के लिए ऐसी बातें करती है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और देखते रहिए मॉलिटिक्स। शुक्रिया।